लीप के बाद रातों रात मदालसा शर्मा ने छोड़ा शो, मेकर्स ने बरखा की एंट्री पर भी लगाया ब्रेक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीकेजे लाइफस्टाइल न्यूज, आपके साथ मैं हूं सना खान। टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। मेकर्स ने कुछ समय पहले ही शो में महज 6 महीने का लीप लिया, लेकिन इन 6 महीनों में कहानी पूरी तरह पलट गई है। सीरियल में नए नए किरदार नजर आने लगे हैं। अनुज की दिमागी हालत खराब हो गई है, अनुपमा भी अपना डांस छोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, वनराज अमीर आदमी बन गया है। इतने सारे बदलाव में अब कहा जा रहा है कि सीरियल में बरखा और अंकुश की एंट्री होने वाली है, जिस पर अब बड़ा अपडेट आया है। इतना ही नहीं, शो में काव्या की एंट्री पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सीरियल में इन दिनों अंकुश और बरखा का नाम बार बार आ रहा है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरियल में अंकुश का रोल निभाने वाले एक्टर रोहित बख्शी की एंट्री होने वाली है और बरखा के कैरेक्टर में दिखी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत भी शो में वापसी करेंगी। लेकिन अब इसमें बड़ा ट्विस्ट आया है। अश्लेषा सावंत को एक नया शो मिल गया है, जिसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया है। अश्लेषा को दंगल टीवी के सीरियल गुड़िया रानी में एंट्री मिली है, वह इस शो में लीड रोल निभा रही हैं। एक्ट्रेस ने सेट से अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें वो शो के बाकी कलाकारों के साथ नजर आ रही हैं। इन फोटोज में अश्लेषा ने अपने न्यू लुक को भी रिवील किया है। इन फोटोज से साफ है कि वो अब अनुपमा में बरखा बनकर नहीं लौट रही है, यानी कि अब अनुपमा में मेकर्स कोई नया ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं।